नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा बीएमवाई उरला वार्ड में स्कूल के नजदीक रिक्त 11 एकड़ जमीन को खेल मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा। महापौर निर्मल कोसरे ने साइकिल भ्रमण के दौरान इस मैदान के समतलीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीण बस्तियों में जलभराव रोकने, नाली के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाने की चेतावनी भी दी। महापौर निर्मल कोसरे ने अपने साइकिल भ्रमण कार्यक्रम के तहत निगम क्षेत्र के बीएमवाई उरला समेत देवबलोदा और जी केबिन के वार्डों का दौरा किया। वसुंधरा दक्षिण स्थित अपने निवास से पार्षद और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ निकले महापौर सबसे पहले उरला पहुंचे। यहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृहग्राम कुरुडीह मार्ग पर स्कूल के पास खाली पड़े 11 एकड़ जमीन पर हो रहे समतलीकरण कार्य का निरीक्षण किया। महापौर ने बताया कि यह विस्तृत जमीन को खेल मैदान के रूप में नगर निगम द्वारा विकसित किया जाएगा। इस खेल मैदान के बनने से ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को उभरने का मौका मिलेगा। साइकिल भ्रमण के दौरान महापौर निर्मल कोसरे को हाल ही में हुई बारिश के दौरान बस्तियों में जलभराव की परेशानी होने की शिकायत ग्रामीणों ने की थी। महापौर ने गलियों का निरीक्षण किया तो अनेक जगह पर नाली के ऊपर पक्का निर्माण कर स्लैब बने होने से निकासी बाधित होना पाया। उन्होंने नालियों के ऊपर अतिक्रमण हटाने के साथ ही 15-15 व्यक्तियों की गैंग लगाकर नालियों की तह तक सफाई करने का निर्देश निगम के अधिकारियों को दिया। नई नाली, पाइपलाइन विस्तार एवं सड़क निर्माण की मांग पर महापौर ने प्राथमिकता के साथ आने वाले दिनों में निर्माण कराने का आश्वासन दिया। उरला व देवबलोदा बाजार स्थल पर सब्जी विक्रेताओं व कोचियों के द्वारा सड़े गले सब्जियों को बेतरतीब ढंग से बिखेरे जाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। आज हमारा पांचवा रविवार है, जब सुबह 6:30 बजे से हम लोग विभिन्न वार्डों में आज साइकिल भ्रमण के निकले थे। यहाँ से वसुंधरा नगर से हम लोग उरला गए। उरला के सभी बस्ती के अंदर घूमने के बाद देवलोदा शिव मंदिर वार्ड, देवलोदा बस्ती, देवलोदा सागर पारा, जी केबिन, जीव केबिन, पीपीआर, ये 5 वार्डों का आज वार्ड भ्रमण साइकिल के द्वारा किया गया। लोगों में उत्साह देखने को मिला आज के साइकिल भ्रमण के तहत। जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं काफ़ी संख्या में वो जुड़े, और धीरे धीरे हमारा जो अभियान चलते जा रहा है उसमें लोगों का विश्वास भी बढ़ते जा रहा है। आज मैं उरला पहुँचा था, उरला में 11 एकड़ का जो ज़मीन है स्कूल से लगा हुआ है खेल ग्राउंड के लिए, उसको विकसित किया जाएगा। मैंने वहाँ को पार्षद को कहा था और पार्षद ने समतलीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। बहुत जल्द वो खेल ग्राउंड के रूप में विकसित हो जाएंगी। छोटी मोटी मूलभूत समस्याओं से लोग जो मुझे अवगत कराए हैं, आने वाले एक सप्ताह के अंदर उनकी जो छोटी समस्याएं हैं जैसे लाइट नहीं लग पाई है या उनके नाली में जमाव की स्थिति है, उसको दूर किया जाएगा। महापौर के साइकिल भ्रमण कार्यक्रम में उनके साथ MIC सदस्य और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।